हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्वेल्थ का इम्पॉर्टेंट टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से हमेशा नीट में 3 से 4 क्वेश्चन या तो 4 क्वेश्चन तो मिनिमम तो रहते ही हैं, 4 से ज़्यादा भी 5 भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग एक कंप्लीट शॉर्ट लेक्चर, हम पूरा ये आपका विद इन 30 या 40 मिनट्स के अंदर हम पूरा एक बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम लोग कर लेंगे। तो ये शॉर्ट टर्म में आप लोग के लिए एक रिवीजन कोर्स है, और ये जो अगला जब कमिंग वीक में जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं नीट के, उसमें आपको पूछने जा रहे हैं। तो हम लोग पूरी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग एक क्विक रिवीजन और वन शॉर्ट लेक्चर हम लोग बनाने जा रहे हैं, और वहाँ से उसके बाद हम लोग इससे कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सेक्शन को भी हम लोग देख लेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए, ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं और एक अच्छा ये टॉपिक है समझने के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है उसमें प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बाय मॉडिफाइंग जीन्स। जीन्स को मॉडिफाई करके, जीन्स को अल्टर करके, जीन्स में चेंजेज ला के, जो प्रोसेस के तहत उसके जीन को मॉडिफाई किया जाता है और जीन प्रोडक्ट बनाया जाता है, और सेल को और लिविंग ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको बोलते हैं, और ये मास लेवल में बनते हैं इसलिए बोलते हैं इसको बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी दो तरह के होती, जैसे था एक क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी में जो हम लोग का आपका जो एंशंट से चले आ रहे हैं, शुरू से ही चले आ रहे हैं, जैसे बियर प्रोडक्शन करना, फर्मेंटेशन प्रोसेस से करना, जिसमें हम लोग डोसा, इडली, जलेबी ये सब फर्मेंट करके एनरोबिक प्रोसेस से हम लोग करते हैं, ईस्ट का फर्मेंटेशन करके ये किया जाता है। और हाँ, उसके बाद ये जो हमारा है, और प्लांट एंड एनिमल मॉडिफिकेशन थ्रू ब्रीडिंग, यानी कि प्लांट और एनिमल का ब्रीडिंग भी शुरुआत में हम लोग करते थे। तो ब्रीडिंग में क्या करते थे कि दो वैरायटी के, जैसे कोई स्पेसीज है, जैसे वीट का ले लेते हैं, तो वीट में मान लीजिए कि अगर वीट है किसी में हाई यील्डिंग है, किसी में लो यील्डिंग है, तो उसको क्रॉस करा के क्या करते हैं, उसको या डिजीज रेजिस्टेंट है या लो डिजीज रेजिस्टेंट है, तो उसको करा करके हम लोग क्या करते हैं, हाई डिजीज रेजिस्टेंट बनाते हैं। तो ये ब्रीडिंग टेक्निक्स बनाते हैं। लेकिन कुछ जिसमें बायोटेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, जैसे माय जीन्स का जो ट्रांसफ़र करते हैं और इन बिटवीन टू अदर स्पीसीज, सो अदर स्पीसीज में जीन का ट्रांसफर नेचुरल नहीं हो सकता है, इसलिए जीन्स का ट्रांसफ़र हम लोग उसको निकाल के करते हैं, और उसको बोलते हैं दिस इज़ जीन फ्लो टेक्निक फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, ये कहलाता है, इसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो यही जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं कि जिसमें को बोलते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, जीन क्लोनिंग, जीन मैनिपुलेशन, जीन थेरेपी, दीज आर द टेक्निक इन्वॉल्व टू ट्रांसफर द जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, एक से दूसरे। उसमें फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेन हम लोग करते हैं, उसमें सर्चिंग ऑफ द जीन करते हैं एंड सेपरेशन ऑफ द जीन करते हैं, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड जीन टू द होस्ट बॉडी और होस्ट प्लांट और एनिमल्स, उसमें ये करते हैं। उसमें टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, उस टेक्निक में क्या करते हैं कि जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी लिविंग सेल्स से हम लोग जीन्स को निकालते हैं, यानी कि डीएनए को निकालते हैं, तो डीएनए या आरएनए को निकाल सकते हैं। तो आरएनए को निकालना ईजी होता है, आरएनए को निकालना इजी होता है क्योंकि आरएनए साइटोप्लाज्म में होता है, इसलिए इस इज़ क्वाइट इजी टू विड्रॉ द आरएनए को जब हम लोग निकालते हैं, इसमें लैब में हम लोग क्या करते हैं, एक टेक्निक होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए को हम लोग डीएनए में बदल देते हैं, और इस विधि से डीएनए को क्या करते हैं, फिर ये डीएनए जो होते हैं कैरियर का ज़रूरत होता है, उसमें कोई ले के जाता है उसके होस्ट तक, तो कैरियर में क्या करते हैं हम लोग प्लाज्मिड को यूज़ करते हैं, और प्लाज्मिड को हम लोग यहाँ पर कट करने वाले जीन्स को, एंजाइम्स को बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और ये कट करके फिर उसको ज्वाइन करने वाला एंजाइम्स जो होते हैं उसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज। अब ये डीएनए लाइगेज जो होते हैं, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, इसको कैमरा भी बोलते हैं, ट्रांसजेनिक जीन्स भी हो गए ये कहलाते हैं। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से दूसरे होस्ट सेल या बैक्टीरिया में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो दीज आर द टेक्निक, ये एक तरह का टेक्निक है
इस टेक्निक के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जीन्स को निकालते हैं, जीन्स को कैरियर के थ्रू, वेक्टर के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं और दूसरे कॉम्पिटेंट होस्ट में हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको देखना है कि आप जो जिस तरह से जीन को निकाल रहे हैं उसमें एक टूल्स होगा, बिना टूल्स के तो निकलेगा नहीं जीन्स। तो जीन्स को निकालने के लिए किसी सेल से नहीं तो उसको टूल्स की आवश्यकता होती है। तो टूल्स में अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे टूल्स एंड टेक्निक। तो टूल्स में क्या होगा कि देखिए, टेक्निक तो वो है, टूल्स में क्या होगा, तो टूल्स में सबसे पहले क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं, तो ये एंजाइम्स जो होते हैं, ये वेरियस एंजाइम्स होते हैं। सबसे पहले लाइसिंग एंजाइम्स होते हैं, यानी कि सेल्स को तोड़ने वाला एंजाइम। तो सबसे पहले एक होते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजोम क्या करता है, पोर कर देता है सेल्स में और सेल वाल को तोड़ने में। दूसरा जो सेल के चारों ओर, सेल मेम्ब्रेन के ओर चारों रहते हैं प्लांट में, सेलुलोज। तो सेलुलोज को तोड़ने वाले एंजाइम को क्या बोलते हैं, सेलुलेज। और कहीं कहीं काइटिन की भी लेयर होती है तो उसको बोलते हैं काइटिनेज एंजाइम। फंजाई उंजाई के सेल वाल होते हैं वो काइटिन की बनी होती है, तो उसके तोड़ने के। उसके बाद कुछ जब न्यूक्लियस को तोड़ने वाले एंजाइम्स को बोलते हैं न्यूक्लियेजेस। उसमें जो होते हैं एक्जोन्यूक्लियस जो एंजाइम्स होते हैं, एक्जोन्यूक्लियस जो होते हैं वो बाहर से काम करते हैं, 5' और 3' टर्मिनल से वो कट करते हैं। दूसरा एंडोन्यूक्लियस, ये अंदर से काम करते हैं और ये एक्सेप्ट 5' एंड 3'। तीसरा एंजाइम होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, जो आपके आपके एंडोन्यूक्लियस की जैसा काम करते हैं, लेकिन एक सीक्वेंस पे काम करते हैं, जिस सीक्वेंस को बोलते हैं पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, जिसमें डीएनए का जो बेस सीक्वेंस फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक ही होता है, जैसे AGCT, तो फॉरवर्ड भी AGCT और बैकवर्ड भी AGCT होना ही चाहिए। उसको पैलेंड्रोमिक डीएनए कट को बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है। तो ये हो गया। इन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में आप अगर देखेंगे तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में जब आप देखेंगे, यहाँ पे हमको दिखा है तो आपका जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में आते हैं, पहला क्या आते हैं, इको आर आई जो होते हैं, ये जो एंजाइम्स हैं, जो ये आता है आपका G6 बेस पेयर का ये एंजाइम होते हैं, डबल स्टैंडर्ड कट करता है। तीसरा इसका एक रहता है कि ये इसका जो सीक्वेंस है GAATPC, इधर से भी और इधर से भी रिवर्स में, आगे से इधर और इधर से भी, क्या है देखिए GAATTC, ये 6 बेयर पेयर का। और ये जो कट करता है, ये आपका कट कैसे करता है, यहाँ से करता है GA, यहाँ से कट करता है। और जो इसका जो रिजल्ट बनता है वो कैसा रहता है, स्टिकी इन में बेस सीक्वेंस में, फर्स्ट बेस सीक्वेंस जो होते हैं स्टैंड का और दूसरे स्टैंड का जो बेस सीक्वेंस में डिफरेंट आते हैं, डिफरेंट आने मतलब दोनों एक छोर जो होते हैं, दोनों स्टैंड आपके इक्वल नहीं बन पाते, इसीलिए इसका नाम क्या बोलते हैं, इको है। दूसरा हिंट टू में भी क्या होता है, GTC GAC, इधर भी GTC GAC, ये जो कट होते हैं, ये कट क्या होते हैं, यहाँ से कट होते हैं GTC CG कट होता है। और ये कट करने से क्या होते हैं, यहाँ पर जो एंड बनता है ब्लंट एंड, इसके जो स्ट्रैंड जो होते हैं दोनों स्ट्रैंड बराबर होते हैं, क्या इक्वल स्ट्रैंड रहते हैं, दोनों अपोजिट स्ट्रैंड। उसके बाद ये हिंड ट्यू होते हैं, इसका नाम होता है AACGTT, यहाँ पर ए, ठीक है, तो यहाँ भी AACGTT, ये हिंड थ्री। तो दीज आर द वेरियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और ये कट करते हैं और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का रिकॉग्निशन साइट्स होते हैं वहाँ पे आप वहाँ से ये जाके कट करते हैं। तो ये आपको हमने बताया कि इसमें टूल्स होते हैं। उसके बाद जो एंजाइम्स आते हैं सिंथेटिक एंजाइम्स होते हैं, सिंथेटिक में डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, आरएन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होते हैं, ये सिंथेटिक एंजाइम्स होते हैं, ये डबलिंग करने में मदद करता है, डीएनए का डुप्लीकेशन करने में मदद करते हैं पॉलीमरेज। उसके सीरीज होते हैं पॉलीमरेज 1, 2, 3, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये सिंथेटिक। उसके बाद जो एंजाइम्स होते हैं ज्वाइनिंग एंजाइम्स होते हैं, जो डीएनए को स्टैंड से फॉस्फोडाइस्टर एंड से, शुगर फॉस्फेट एंड से ये कनेक्ट करने वाला एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज। उसके बाद कुछ क्लीविंग एंजाइम्स होते हैं जो तोड़ते हैं फॉस्फेट एंड से तोड़ते हैं, उसको बोलते हैं फॉस्फेटेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। सो ये आपके टूल्स में एंजाइम्स, पहले हम लोग वेरियस टाइप के एंजाइम्स हो गए। इसमें इको RE1 जो आपका इसको ज़रूरत होता है ATP प्लस मैग्नीशियम आयन, और ये क्या करता है, ये सर्चिंग में मदद करता है, रिस्ट्रिक्शन RE1। RE2 क्या करता है, बीन एंजाइम जो कटिंग में मदद करता है। तीसरा RE3 जो है ये रेगुलेटिंग मिथाइलेशन करते हैं, दोनों को रेगुलेट करता है। तो ये आपके एंजाइम
के लेवल होते हैं। उसके बाद जो आते हैं आप यहाँ पे देखिए, ये एंजाइम्स लेवल पर हम लोग देख लिए। अब जो एंजाइम आते हैं जिसका नाम है क्लोनिंग वेक्टर, यानी कि क्लोन करने के लिए जो वेक्टर होते हैं जहाँ पे क्लोनिंग करना है वो उसके लिए कैरियर होते हैं। वैक्टर इज नथिंग, इट इज ए कैरियर, तो कैरीज द जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। उसमें जब सबसे पहले नाम आता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहते हैं, और ये जो होते हैं प्लाज्मिड जो एडिशनल डीएनए होते हैं, और ये क्या करते हैं कैरी, इसमें कुछ कुछ क्या करते हैं, इसमें मेन इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेलेक्टिव मार्कर होते हैं, कुछ कुछ जगह रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं, एम्पिसलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, यूनिक रिप्रेजेंट साइट्स होते हैं जैसे इको आर आई, हेन टू, हेन थ्री, ये सब साइट्स होते हैं। उसके बाद आपका क्लोनिंग साइट्स होते हैं, उसके बाद इसका साइज मस्ट बी स्मॉल होते हैं, शुड बी स्मॉल होते हैं, ये आपके यहाँ पे होते हैं। उसी तरह ये प्लाज्मिड, जैसे उसमें एक कॉमन प्लाज्मिड का नाम है PBR, पी प्लाज्मिड, बी साइंटिफिक बॉलिवर एंड जिगर, और 322 इसका नाम है। इसमें क्या है, ये प्लाज्मिड है, इसमें क्या है रिकॉग्निशन साइट्स है जैसे इको आर आई, हिंड टू, हिंड थ्री, ये सब। उसके बाद एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ओरी, ओरी रीजन का क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहीं पे आपका रेप्लिकेशन प्रोसेस किया जाता है, ओरी रीजन। तो ये आपके यहाँ पे ये PBR आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद जो आते हैं आपके आपके आते हैं दूसरा एंजाइम्स का नाम है, आपके प्लाज्मिड का नाम है PUC, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ये बनाया गया है, इसलिए इसका नाम है। तीसरा टी आई प्लाज्मिड क्या करते हैं कि इससे बैक्टीरिया जिसमें होते हैं उस बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम थ्रियोजेंसिस, एग्रोबैक्टीरिया बैक्टीरियम थ्रियोजेंसिस, उस बैक्टीरिया में क्या करते हैं टी आई जीन्स होते हैं, टी आई प्लाज्मिड होते हैं, उसमें टी जीन्स होते हैं, टी जीन्स ट्यूमर इंड्यूस करने वाला जीन्स है, और ये ब्रॉड बीट बीन प्लांट जो होते हैं, बड़े पत्ते वाले जो प्लांट होते हैं उस पर ये ट्रांसफर होते हैं। ये एक तरह का नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग करता है जिस कारण से एक गल कहने मतलब ट्यूमर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ट्यूमर आपके बनाते हैं, उसको नाम होता है टी आई प्लाज्मिक। तो ये होगा उसमें बाद फिर वैक्टर का नाम होता है कॉस्मिक वैक्टर, कॉस साइट ऑफ प्लाज्मिन, कॉस साइट ऑफ प्लाज्मिक, प्लाज्मिक का जो कॉस साइट होता है उसको बोलते हैं कॉस्मिक बैट, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये क्या करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ कुछ ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम ये कैरी करते हैं जीन्स को, ये यैक ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम उससे भी ज़्यादा करते हैं, ये बैक्टीरियोफेज होते हैं जिसको बैक्टीरियोफेज में क्या करते हैं, ये ऐसे प्लाज्मिड है, ऐसे ये क्या है वायरस है, वायरस है जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है, इसमें लैम्डा फेज, और ये कुछ सिंगल स्टैंडर्ड को कैरी करता है, कुछ डबल स्टैंडर्ड बैक्टीरियोफेज होते हैं कैरी करने वाले होते हैं। तो ये इसमें डिफ्रेंशिएशन किया है लैम्डा फेज एंड एमबी फेज। उसमें प्लाज्मिड, प्लाज्मिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज इसमें प्लाज्मिड ये ज़्यादा से ज़्यादा डीएनए को कैरी करेगा। उसके बाद ट्रांसपोजोन जो होते हैं ये जंपिंग जीन्स होते हैं, ये यहाँ पे अपने पोजीशन को लोकस को चेंज करने वाले जीन होता है, ये सब आपके वैक्टर के रूप में काम करते हैं, कैरियर के रूप में काम करते हैं, और ये सब आपके। तो हमने एक क्लोनिंग वैक्टर के बारे में बात कर लिया। उसके बाद जो होते हैं क्लोनिंग वेक्टर जो होते हैं उसके बाद ये जहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, उस जीन्स को ट्रांसफर करते हैं बैक्टीरिया में, तो जीन्स को बोलते हैं कॉम्पिटेंट, उसके लिए जो कॉम्पिटेंट होस्ट होते हैं। तो कॉम्पिटेंट होस्ट आपका बैक्टीरिया हो सकता है, और भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, और भी कोई भी यूकैरियोटिक में भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी सेल्स होते हैं और भी अदर सेल्स हो सकते हैं उसमें कॉम्पिटेंट होस्ट होते हैं। वैक्टरलेस जीन ट्रांसफ़र में आते हैं, एक नाम रहता है वैक्टरलेस जीन ट्रांसफ़र, वैक्टरलेस जीन यानी कि जिसमें वैक्टर नहीं यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ये वैक्टर यूज नहीं हो रहा है, ये कोई वैक्टर नहीं है, प्लाज्मिड नहीं है, उसमें क्या कर रहे हैं डायरेक्ट एक प्रोसेस होता है माइक्रो इंजेक्शन, इसमें माइक्रो नीडल यूज़ करते हैं और डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं, जीन को ट्रांसफ़र करते हैं होस्ट सेल्स में, ये ज़्यादातर एनिमल में इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो ये माइक्रो इंजेक्शन प्रोसेस से हम लोग करते हैं, माइक्रो पैपेट यूज़ कर। उसके बाद इलेक्ट्रोपोरेशन, इसमें क्या करते हैं कि कहीं जगह एक जगह जैसे वॉल है यहाँ पे छेद कर देते हैं, और छेद करके क्या करते हैं डीएनए को अंदर घुसा डाल देते हैं, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। जीन गन थे बायोलिस्टिक बोलते हैं, जीन गन क्या करते हैं एक का गन के रूप में करता है हाई वेलोसिटी, और इसके अंदर टीएनएस
टंगस्टन से डीएनए को कोटिंग करते हैं गोल्ड या टंगस्टन से, और करके हाई वेलोसिटी से इसको, तो ज़्यादातर प्लांट सेल में करते हैं इसको यूज़ करते हैं, तो जीन गन बायोलिस्टिक करते हैं, यानी कि हाई स्पीड से इसको भेजते हैं, डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफ़र भी करते हैं। तो ये आपके वैक्टरलेस जीन ट्रांसफ़र हो गए, और ये जब ट्रांसफ़र करने का तो यही प्रोसेस है, जैसे आपका हम लोग आरएनए को निकाले, आरएनए से फिर डीएनए बनाते हैं, डीएनए को हम लोग प्लाज्मिड के साथ इंट्रोड्यूस करके फिर ये हम लोग कॉम्पिटेंट होस्ट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी आपका टेक्निक हो गया, ये टेक्निक है, टूल्स एंड टेक्निक हम लोग पूरा देख लिए कि कैसे ये टूल्स एंड टेक्निक काम करते हैं, जिसमें एंजाइम्स, क्लोनिंग वेक्टर एंड कॉम्पिटेंट होस्ट है आपके आते हैं। अब हम लोग जो देखते हैं यहाँ पे आपको ये देखते हैं कि ये सबसे अब आते हैं कि अब जो है इधर हम लोग अब एप्लीकेशन इन बायोटेक्नोलॉजी, अब हम लोग देखते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस देख लेते हैं, हम लोग प्रिंसिपल एंड प्रोसेस देख लिए प्रिंसिपल में, और जो आते हैं जिसका नाम होते हैं इसमें एक होते हैं बायो रिएक्टर होते हैं, इसमें स्टीयर टैंक होते हैं जिसमें टेम्परेचर पीएच और ऑक्सीजन बबल हम लोग सप्लाई करते हैं, और धीरे धीरे उसको स्टीयरिंग टैंक से जिसमें कुछ प्रोडक्ट को इनपुट करते हैं और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हम लोग बनाने में मदद करते हैं, ये लार्ज टैंक वेसल्स होते हैं उसको बोलते हैं बायो रिएक्टर। अब बायो रिएक्टर सा हो गया, उसके बाद कुछ जो उसके बाद हम लोग जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं आप देखिए तो मेडिकल साइंस के में क्या क्या है, तो पहला जो कुछ मेडिसिन बने थे सोमैटोस्टेटिन, ये ग्रोथ हार्मोन्स है जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग माध्यम से ई कोलाई इचिशिया कोलाई की मदद से डीएनए रिकॉम्बिनेंट विधि से के द्वारा ये बनाया गया था सोमैटोस्टेटिन। दूसरा इंटरफेरोन जो है, ये इंटरफेरोन भी इसी तरह बनाता है, इंटरफेरोन भी क्या है, ये एक तरह का एंटीवायरल है, एंटीवायरल और एंटी कैंसरस। अब ये एंटी कैंसरस कैसे एंटीवायरल, क्या है कि एंटीवायरस का क्या करते हैं, जब वायरस इंटर करता है तो होस्ट के राइबोसोम में जाके प्रोटीन बनाने की विधि करता है, ये क्या करता है होस्ट के राइबोसोम को ब्लॉक कर देता है और प्रोटीन नहीं बन पाता है, प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो नया वायरस नहीं बन पाता है तो वायरल मल्टीप्लीकेशन को रोक सकता है, तो एंटीवायरल होते। दूसरा एंटी कैंसरस क्या करते हैं, प्रोटीन नहीं बन पाने के कारण राइबोसोम मैसेनरी से एंजाइम नहीं बन पा रहे हैं तो उसका जो मैलिग्नेंट जो ग्रोथ है ट्यूमर है वो ट्यूमर रिड्यूस हो जाता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोटीन नहीं मिल पाता है सेल्स को, तो वो सेल्स ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ नहीं कर पाता, इसलिए एंटी कैंसरस होता है। इसमें हिरुडीन जो होते हैं ये आपका एंटीकोगुलेंट के जैसा काम करता है, ये भी रिकॉम्बिनेंट विधि से ई कोलाई के मदद से हम लोग बनाते हैं। उसका फैक्टर और ग्रोथ फैक्टर जो ब्लड क्लॉटिंग में क्लॉटिंग फैक्टर है, ये फैक्टर 8 जो होता है ये भी रिकॉम्बिनेंट विधि से ई कोलाई की मदद से हम लोग जीन ट्रांसफर के करके ये बनाया जाता है। हाइब्रिडोमास जो होते हैं इसमें क्या करते हैं, ये हाइब्रिडोमास क्या करता है, हाइब्रिड बनाते इसमें क्या करते हैं, लिम्फोसाइट सेल्स और माइलोमा सेल्स कैंसरस सेल्स को मिला के क्या करते हैं, ये दो इस तरह से एल और एल ये हम लोग बनाते इसको बोलते हैं हाइब्रिडोमास। अब हाइब्रिडोमास क्या करता है, अब ये क्या करता है, तेज़ी से ग्रोथ करता है कैंसर सेल से और ज़्यादा एंटीबॉडीज बनाएगा, क्या बनाएगा एंटीबॉडी, वाई सेप का स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी, तो मोर एंटीबॉडी, तो इसको बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोडक्शन, क्या बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो दूसरा ये है मेडिकल से हाइब्रिडोमास। तीसरा ये इंसुलिन के केस में क्या करते हैं, इंसुलिन सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट विधि से बनाया गया था ई कोलाई में, और इसमें क्या करते हैं इंसुलिन में दो चेन है, 51 एमिनो एसिड का चेन होता है इसमें, 31 और 20 इसमें दो चेन है, ए चेन और बी चेन पॉलीपेप्टाइड चेन, और तीसरा जो इसके साथ चेन बनाते हैं सी पॉलीपेप्टाइड, तो सी पेप्टाइड बोलते हैं, और ये जब मैच्योर करते हैं प्रो इंसुलिन से जब एक्टिव इंसुलिन में करते हैं तो सी पेप्टाइड को डिटैच करते हैं जिससे ये एक्टिव प्रोसेस होते हैं, तो इसमें सी पेप्टाइड होते हैं इंसुलिन। तो ये मेडिकल SCID जीन थेरेपी, इसमें क्या करते हैं जीन्स को रिप्लेस करने की एक विधि है, सबसे पहले सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी जिसमें डी एमिनेज एंजाइम की कमी, उसके लिए जो जीन्स मिसिंग था उस मिसिंग जीन्स को ट्रांसफ़र किया था ये, ठीक है, बच्चे में इसको किया गया था, और इसमें क्या किया गया था इसमें इस जीन्स को ये बोन मैरो में ट्रांसफ़र करके, और इसमें रेट्रोवायरस जो होते हैं आपके सार्कोमा वायरस
यूज़ करके इस जीन को थेरेपी कराया गया था, ये एस सी आई डी डिजीज के ग्रोथ फैक्टर भी बनाया गया था रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी मदद से। एस सी जी जो हार्मोन है, क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, ये प्रोटीन है, इसको बनाया गया था। तो ये मेडिकल साइंस में यहाँ तक के। बायोटेक्नोलॉजी एग्रो एग्रीकल्चर क्षेत्र में गोल्डन राइस सबसे पहले आपको नाम है, इसमें ट्रांजेनिक राइस वेराइटी, राइस की वेराइटीज था जो ट्रांजेनिक राइस बनाया था, जिसमें बीटा कैरोटीन नामक प्रोटीन, ठीक है, जीन्स करके ये प्रोटीन बनाया था। तो ये क्या करते हैं, उसमें बनाया गया था तो गोल्डन राइस तैयार किया गया था। दूसरा है फ्लेवर सेवर टोमेटो, इसमें एंटी रैपनिंग एजेंट डाला गया था जिसका नाम है पॉली गैलेक्टो यूरिनीज। दूसरा बेडबग, बेडबग एंटी पेट्रोलियम एजेंट के जैसा काम करता है, ये पेट्रोलियम को डिग्रेडेशन करता है, एक तरह बायोवार के रूप में भी यूज़ करते हैं, बायो वेपन के रूप में है। इसमें स्यूडोमोनास यूज़ किया गया था, क्या नाम किया गया था, स्यूडोमोनास, मोनास बैक्टीरिया यूज़ किया। इसमें चार स्ट्रेन के स्यूडोमोनास बैक्टीरिया को मिक्स करके कीमरा बना के फिर दूसरे ई कोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करके इसको बेडबग तैयार किया गया था, बेडबग। उसके बाद बीटी कॉटन सुपर बग, दिस इज नॉट ए बेड बग, इट इज ए सुपर बग, दिस इज ए सुपर बग, दिस इज कॉल्ड सुपर बग। सुपर बग हम लोग तैयार किए थे। अब उसके बाद बीटी कॉटन जो होते हैं बैसलर थिरोजेंसिस एक बैक्टीरिया है, उसमें क्या करते हैं ये बैक्टीरिया, ये इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, उसमें क्या किया, ये प्रोटीन बनाया गया था जो क्रिस्टल प्रोटीन क्रिस्टल बनाया था, ये क्रिस्टल इंसेक्टिसाइड के जैसे करते हैं, और जैसे ये बैक्टीरिया के गट में जाते हैं तो अल्कलाइन पीएच के कारण क्या करते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं गट में पोर बनाते हैं, जिसके कारण से क्या करते हैं इंसेक्ट का डेथ हो जाता है। उसमें क्या करते हैं ये जीन्स को ट्रांसफ़र किया गया था बीटी कॉटन प्लांट में, और जीन्स में क्राई वन ए सी और क्राई वन टू ए, और ये जो है आपका ये जीन्स आपके इंट्रोड्यूस किए थे। उसके बाद आपका जो है बीटी ब्रिंजल को यूज़ किया, जिसमें क्राई वन ए सी जीन्स को यूज़ किए थे। उसके बाद है पोस्ट रजिस्टेंट जीन, पेस्ट रजिस्टेंट जीन जो था इसके आरएनए इंटरफेरेंस, जिसमें हम लोग आरएनए लेवल का जो फंक्शनिंग लेवल है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे इसको क्या करते हैं साइलेंस करते हैं, जिसमें आरएनए साइलेंसिंग प्रोसेस करते हैं, इसके डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना के इसमें क्या करते हैं कि सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड को हम लोग इनहिबिट कर देते हैं, और जीन के इनएक्टिविटी करके हम लोग इसको रोकते हैं, जिसमें इसमें स्पेसिफिक नेमेटोड्स स्पेसिफिक जीन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं और इसके ग्रोथ को रोका जाता है। तो ये सब हम लोग ये पूरी जो विधि है हम लोग पूरी जन देख लिए आपका, ये पूरी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम लोग पूरी मेडिकल क्षेत्र में, एग्रो क्षेत्र में, केमिकल क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, और ये जो प्रोसेस है ये पूरे प्रोसेस हम लोग देख लिए। तो ये यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, और अगला सेक्शन जहाँ से रहेगा हम लोग उसको क्वेश्चन सेक्शन को देखेंगे। यहाँ पे बायो रिएक्टर हम लोग देखिए, बायो पायरेसी देखिए, बायो पायरेसी में जो पायरेटेड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं तो ये पायरेसी वहाँ पर आते हैं। तो इथिकल सोसाइटी होते हैं, बायोलॉजिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल इथिकल सोसाइटी होते हैं वहाँ, और एक कमेटी होते हैं जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, अगर वही इसको अप्रूव करता है, कोई भी रिसर्च करते हैं, कोई भी नया चीज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग में, तो वो करते हैं। अगर उससे अथराइज नहीं रहते हैं तो उसको बोलते हैं, चाहे और किसी चीज़ को प्रोडक्ट को अगर अनएथिकल प्रोड्यूस किया था उसको बायोपायरेसी। बायो वेपन में बायो वार होते हैं, उसमें एंथ्रैक्स सबसे आते हैं, क्या आते हैं एंथ्रैक्स का नाम सुने हैं एंथ्रैक्स, और ये जो आपके सुपर बग भी आपके इसी तरह से आते हैं। तो ये सब आपके पूरे जीन गन टेक्नोलॉजी, जीन बैंक, जीन का जो जहाँ पे सीड्स जर्म प्लाज टिश्यू वगैरह को कल्चर हम लोग करते हैं जीन बैंक, जीन लाइब्रेरी हम लोग यूज़ करते हैं, तो कुछ एक्जॉनिक जीन्स को इंट्रॉनिक जीन को हम लोग वहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। ये सब पूरी एक है आपका, ये हम लोग यहाँ से देख लीजिए। तो ये प्रोसेस हम लोग पूरे आपके एंजाइम सेक्शन, क्लोनिंग फैक्टर, कंप्यूटर होस्ट और ये सब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, ये सब हम लोग इसमें। तो ये शॉर्ट लेक्चर में हम लोग वन क्विक शॉर्ट लेक्चर हम लोग पूरा इस पर देख लिए। होप आप लोग को इसको बहुत हम कम समय में आपको ख़त्म किए हैं, इसलिए यहाँ तक रहेगा। ओके, थैंक यू।